नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल HRX Gamer में। और आज का जो वीडियो है एक फाइटिंग बेस्ड गेम के बारे में है। इस गेम का नाम है सोल कैलिबर ब्रोकन डायनेस्टी। ये एक फाइटिंग बेस्ड गेम होने वाला है, और जिन लोगों को PSP का गेम पसंद है तो इस गेम को ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि PSP का गेम काफ़ी अच्छा होता है, ये हम सबको पता है। और इस गेम में आपको अच्छा खासा ग्राफिक्स देखने को मिलता है, और इसमें आपको अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिलता है। सो आपको इस गेम को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहीं से ही। गेम का साइज सिर्फ 400 MB के आसपास होगा, और जब उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो 800 MB में हो जाएगा। मतलब 800 MB का गेम को जी फाइल में कन्वर्ट किया गया है, जो हाईली कंप्रेस किया गया है गेम को 400 MB में। तो आप 400 MB का गेम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जिला चिबा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जिला चिबा की मदद से जी फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया, मैंने वहाँ पर बताया हूँ। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं। और अगर आपको PSP का गेम्स पसंद है खेलना अपने फ़ोन में, तो मैंने उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हूँ प्रीवियसली। तो अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने बहुत सारे PSP के गेम्स के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, तो प्लीज़ एक बार उन सारे वीडियोज़ को भी एक बार देख लेना। सो मैं फिलहाल आपको PPSP एमुलेटर जो एप्लीकेशन है उसे आपको इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। उस एप्लीकेशन को आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि PPSP एमुलेटर जो फ्री में मिलता है प्ले स्टोर में, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको PPSP गोल्ड चाहिए जो प्ले स्टोर में पेड है, वो अगर आपको फ्री में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से आपको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इनको। सो जल्दी जल्दी PPSP गोल्ड या फिर कोई भी एक आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसे ओपन करके आपको सेटिंग में ओपन करना होगा सबसे पहले। तो आपको आप एक बार दिखा देता हूँ आपको करना क्या है। सो मैंने यहाँ पे PSP का एमुलेटर को मैंने ओपन कर लिया है। सो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप उस PPSP एमुलेटर को जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा अपने किस फोल्डर के अंदर गेम को जो है रखा है। जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जिप फाइल को, मैंने यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ, यहाँ पे गेम्स लिख के इसी के अंदर मैंने गेम को रखा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा गेम शो कर रहा है, यहाँ पे सोल कैलिबर ब्रोकन डायनेस्टी गेम मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन मैं इस गेम को प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे फ़ोन में स्मूथली नहीं चलेगा। आपको सेटिंग जो है अप्लाई करना होगा ताकि आपके फ़ोन में ये गेम स्मूथली चल जाए। सो यहाँ पे मैंने सेटिंग में क्लिक कर दिया हूँ, और यहाँ पर ग्राफिक्स, ऑडियो कंट्रोल्स, नेटवर्किंग टूल, सिस्टम, यहाँ पे तीनों का ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स में क्लिक करना होगा, और यहाँ पे मोड में क्लिक करना होगा, यहाँ पे बफर रेंडरिंग में क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे फ्रेम स्किपिंग को ऑफ कर देना है, इसे डिसेबल कर लेना है, और यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव स्पीड यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अनलिमिटेड रहना ही चाहिए। मतलब जहाँ पे ये वाला टिक होगा ना डिसेबल, इसका आपको इनेबल कर देना है, उसको ओके कर देना है। उसके बाद इसमें भी सेम टू सेम, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे इमर्सिव मोड को ऑन कर देना है, यहाँ पे रेंडरिंग रेजोल्यूशन में क्लिक करना है, यहाँ पे 1:PSP में क्लिक करना है, और यहाँ पे डिवाइस रेजोल्यूशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेटिव डिवाइस रेजोल्यूशन में क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ऑटो एज सेम एज रेंडरिंग रेजोल्यूशन में भी क्लिक कर सकते हैं। आप इन दोनों से कोई भी एक रेजोल्यूशन में आप क्लिक कर सकते हैं। सो फिलहाल आपको मैं नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको हार्डवेयर ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर स्किनिंग में क्लिक करना है, वर्टेक्स कैचिंग में क्लिक करना है, यहाँ पे लेजी टेक्सचर कैचिंग में क्लिक करना है, उसके बाद डिजेबल स्लोअर इफेक्ट्स में भी क्लिक करना है, और यहाँ पे गेम का जो कर्व क्वालिटी उसे आपको लो में कर देना है, लो। उसके बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पे टाइमर हैक में क्लिक करना है, और यहाँ पे डिजेबल, यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है, और आपके फ़ोन में ये गेम स्मूथली चल जाएगा। तो मैं फिलहाल आपको इसका गेम प्ले दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये हमारा जो गेम है वो चल चुका है, कोई दिक्कत जो है नहीं आ रही है। सो यहाँ पे आप न्यू गेम में क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद लोड गेम में क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे अपना नाम आपको सिलेक्ट करना होगा,
और आपको अपना प्रोफाइल भी सिलेक्ट करना होगा। आपको अपना सिम डेटा जो है उसका आपको सेव कर लेना है, और आप अपने मन मुताबिक कोई भी एक ऑप्शन, मतलब कोई भी एक ऑप्शन में आप क्लिक करके आप अपने इस गेम को खेल सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैरेक्टर जो है देखने को मिलते हैं, यहाँ पे क्रेटोस भी देखने को मिलता है, क्रेटोस और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है। तो फिलहाल आपको मैं क्रेटोस का गेम प्ले दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम का ग्राफिक्स कितना अच्छा है। सो अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं गेम को। काफी अच्छा गेम है ये। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।